मधु जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। हम रात दिन आप ही का जाप करते हैं। जय मधु मैडम, जय मधु मैडम, जय मधु मैडम, जय मधु मैडम। भजन मंडली, बस बस बस। अरे जाप तो उनका किया जाता है जो हमसे दूर हो, हमसे अलग हो। अरे मधु मैडम तो हमारी नस नस में बसी, हमारे दिल में बसी है। क्या अब मतलब अश्रद्धा की मूर्ति की तरह? ये हमारी धांगिनी है इसी तरह क्या? अरे हम बोलते हैं, देखो हम बता रहे हैं तुम्हें, हम 24 घंटे भूखे रह सकते हैं। जी जी, उतनी देर से तुम बोले जा रही हो, क्या बात कर रही तुम? तुमको पता है हमारे पति मधु मैडम के कितने प्रिय है? हम मधु मैडम कहे कि बैठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, और कहेंगे चलो तो चल देंगे, और कहेंगे उड़ो तो सुपरमैन की तरह उड़ भी जाएंगे। उड़ कैसे सकते हैं तुम भी कुछ भी? अरे हम बता रहे हैं ना कि हम मधु मैडम के ज्यादा प्रिय हैं ना। अब तुम क्या बोल रही हो? तुम कह रही हो अब बता ले ना, ये सब नहीं है। स्वीटी जरा यहाँ आओ, मैं बच्चे से यहाँ पर देवर जी की बात। अरे जल्दी आओ ना। नहीं नहीं, सुनो अरे स्वीटी, किन लोगों को तुम ले आई हो? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आदि का नाम धैर्य मिश्र है जी, क्या हुआ? एक मिनट, मैं सोना चांदी दुकान के मालिक का बेटा हूँ। ये लीजिए आपका ऑर्डर, और ये रहा उसका बिल। क्या हुआ? कौन है? भाई साहब पैसे नहीं है हमारे पास, तो हमें अब ये गहने नहीं चाहिए, आप इसीलिए जा सकते हैं। धंधे कैसे में आप मजाक क्यों कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, मैं सच बोल रहा हूँ। धैर्य आप ही हो ना? जी मैं धैर्य मिश्रा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ आपसे कि नहीं चाहिए हमें। अरे भाई ये पकड़ो और मुझे मेरा पैसा दो। सब मैंने कहा ना प्लीज ले जाइए, हमें नहीं चाहिए अभी ये। क्यों ले जाऊँ? इतने दूर से अपना समय खराब करने यहाँ आया हूँ मैं। भाई साहब पहले ही बहुत मुसीबत में है, ये नहीं ले सकते हम लोग, पैसे चुकाने के लिए नहीं है। तो ये ऑर्डर क्यों किया? देखने से तुम लोगों की औकात पता चलती है। अब एक काम करो, जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारे पास मुझे दे दो और ये रख दो। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता आपको? कह रहे हो ना नहीं पैसे हमारे पास, नहीं चाहिए, ले जाइए वापस को। जब औकात ही नहीं थी तो ये बनवाया क्यों? अरे तुम लोगों की औकात तो देखते ही पता चलती है, भिखारी कहीं के। भाई साहब क्यों हमारे दरवाजे पे खड़े होकर ही हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? तो हमको भी शौक नहीं है यहाँ खड़ा रहने का, पैसे दो हम चले जाएंगे। कह रहे ना पैसे नहीं है, जब होंगे तो हम आकर ले जाएंगे गहने, अभी आप जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, आप क्या करो ये जिसकी बनवाई के पैसे हुए हैं वो दे दो, चला जाऊंगा मैं। नहीं है ना, अच्छा रुकिए एक मिनट, ये संतोषी तुम ये क्या? ये लीजिए आपके बनवाई से कहीं ज्यादा हो गया इसकी कीमत, अब जाइए यहां से। अरे क्यों? धैर्य सर, आपके सम्मान से बढ़ते हुए गहने नहीं है, और संतोषी माँ के आशीर्वाद से बहुत जल्द आपका काम अच्छा हो जाएगा, फिर बनवा दीजिएगा हमारे लिए। लेकिन संतोषी तुम, हेलो जी, मैं धैर्य बोल रहा हूं। व्हाट? क्या हुआ? माते सेवा का भी मूल्य होता होगा ना? अवश्य, किंतु आप ये क्यों पूछ रही हैं? माते अब तक हमने आपकी जितनी भी सेवा की है उसका अपना मूल्य दे दीजिए, कि हम धरती लोक जाकर संतोषी की सहायता कर सके। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं गौ माता, किंतु हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। हम संतोषी को आत्मबल दे सकते हैं, उसे कष्टों से लड़ने की शक्ति दे सकते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सहयोग नहीं कर सकते। अन्यथा कर्म और फल के सिद्धांत खंडित हो जाएंगे। ये भी सत्य है माते। आप व्याकुल न हो, संतोषी का आत्मबल
हर बाधा को पार करने की क्षमता रखता है। अंकल, अंकल बाहर निकल, अंकल! अरे चूहे की तरह कहाँ छुपा बैठा है, बाहर निकल! क्यों चाचा जी, मिर्ची लग गई क्या? अरे मिर्ची का स्वाद तो तुझे मैं अब चखाऊंगा। धैर्य, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! धैर्य, बाबू जी का भैया कर रहे हैं आप चाचा जी? छोड़ दो अंकुर को। प्रताप, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? अरे छुड़वाइए हमारे बच्चे को। मॉम बचाओ, मॉम चाचा जी का दिमाग खराब हो गया है। तुझे आज कोई नहीं बचाने वाला। मॉम बचाओ मुझे, चाचा जी पागल हो गए। मॉम अंकुर, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। मत मारो उसे, मत मारो, उन्हें बचाओ ना, हमारे बच्चे को बचाओ। हम क्या यूं ही रेंगते रेंगते हुए घर जाएंगे? रिक्शा ले ले। चलकर जाएंगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन पैसे बच जाएंगे। वैसे ही सर पे इतना उधार है, हम लोग को सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, जहाँ जहाँ से हो सके पैसे बचाने। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था ना, क्यों ना मैं अपने दोस्तों से कुछ उधार ले लूं। हाँ, वो कमीशन के लिए पे करना है ना। एक बार सारे जो पैनल है वो बिक जाएंगे ना, तो पैसे वापस आ जाएंगे हमारे पास, और हम जो उधार लेंगे वो वापस रिटर्न कर देंगे। अरे सर, फिर आप उसी रास्ते के बारे में सोच रहे हैं जहाँ फटाफट फायदा तो हो जाएगा, लेकिन आगे चल के बहुत नुकसान होगा। हमें लगता है सब जमीनों से दूर रहना चाहिए, आराम से सोचेंगे कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा। जितना सोचना है सोच लो, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं तो यही करने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, बाद में सोचेंगे क्या करना। मैंने डिसाइड कर लिया, फिलहाल खाने का समय हो गया, कुछ खा लीजिए। हाँ, भूख तो लगी है। वैसे क्या खाओगी? वहां से कुछ भाई साहब, खाने में क्या क्या सब्जी है आपके पास? सब्जी में आलू चना, आलू गोभी, आलू मेथी, आपको क्या चाहिए? ये बताइए कि ये जो सब्जी आपने बताई है वो कितने रुपए प्लेट है? सारी सब्जियां भाई साहब 20 रुपए प्लेट है। एक मिनट बताते हैं। एक प्लेट सब्जी और दो रोट लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। हाँ तो भाई साहब, वो एक काम करिए, एक प्लेट आलू चना दे दीजिए। तुम तो आलू चना नहीं खाती हो। आपको तो पसंद है। तो तुम्हें तो पसंद नहीं है ना। आज हमारा आलू चना खाने का बहुत मन कर रहा है जोर से। देखो संतोषी, तुम बहुत बहस करते हैं आप। बहस नहीं, आलू चना। कैसे आलू चना देती? आप लोगों का हो गया हो तो मैं एक चना आलू दे दूं। हाँ दे दीजिए। 5 मिनट बैठिए, गरम गरम देता हूँ। रोटी भी दो ना सर। तो बिना रोटी के हम कैसे खाएंगे? मेरा मतलब है आप कितनी रोटी दूं सर? अच्छा वो दो रोटी। कितने दिन बाद आप अपने पसंद का खाना खाएंगे? नहीं तो जो सब्जी थी तो खा लेते हैं आप। अच्छा, सब्जी हमने एक ऑर्डर किया, पर रोटी में हम कटौती नहीं करेंगे। पेट भर के अगर और जरूरत पड़े तो और रोटी मंगा लेंगे। जी शुक्रिया। छोले आलू में आलू ज्यादा दिए। तीन प्लेट इडली दीजिए। अभी देता हूँ मैं। उन्हें
इसे हम नहीं खाते। क्या हुआ मैडम? इसे भी साफ कर दो। संतोषी, यही औकात है तुम्हारे पति की। ओ हाँ, आजकल हमारे घर में नौकरों की कमी है। तुम चाहो तो अपने पति के साथ हमारे यहाँ काम करने आ सकती हो। ये लो तुम्हारे पैसे और बाकी के नौकरों में बांट देना। हाँ पारस जी। अदर रिद्धि सेल्स में जाके बात की या नहीं? जी बात हुई है, हमारी मीटिंग हुई अभी, वहीं से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो हमारा माल बेच देंगे लेकिन उसके बदले में वो कमीशन चार्ज करेंगे। ये तो अच्छी बात है, उसे सारा माल बेचने का ऑर्डर दे दो और जैसे ही पैसे आ जाए उसे कमीशन भी दे देना। पारस जी प्रॉब्लम ये है कि वो कमीशन एडवांस मिलेंगे हमसे, वो भी 15%, और इतना पैसा भी हमारे पास नहीं है। देखो दे रहे, मेरे पास तो 40 crore भी नहीं, सब कुछ पहले से ही गिरवी पड़ा। कैसे भी करो सारे पैसे का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। कुछ भी करो ये डील होनी ही चाहिए। ठीक है पारस जी, तो मैं कुछ ट्राई करता हूँ जी। क्या कहा? उन्होंने कहा कि सारा माल उठा के वृद्धि सेल्स को दे दो और वो हमारा माल बेच देंगे, और बात रही कमीशन की तो वो मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। और इतने पैसे आएंगे कहाँ? चिंता मत कीजिए आप, संतोषी माँ ने अब तक संभाला, आगे भी संभाल लेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। एक बात बताएं, अब बहुत बदल गए हैं। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि आज आपने मधु मैडम को पलट कर जवाब नहीं दिया। हाँ पहले ऐसे नहीं थे। शायद संगत का सर है। वैसे अच्छा ही किया जो जवाब नहीं दिया। सहन करना अपने आप में बहुत साहस का काम है। संतोषी मैंने जवाब नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन मैं जवाब नहीं दूंगा। कल जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे मैं जवाब भी दूंगा और ये पैसे लौटा भी दूंगा। अच्छा ठीक है, पहले हम ये बताइए कि आपने मेरे बर्तन क्यों नहीं साफ करने दिया? तुम्हारा बर्तन साफ करने का मन था मुझे पता नहीं था। मजाक कर, बात असल से ये थी, अगर मैं तुम्हें आज बर्तन साफ करने दे देता तो पति के रूप में मैं तुमसे जिंदगी भर आंख नहीं मिला सकता। पति का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि अगर उसकी बीवी किसी परेशानी में है तो उसे बचा सके, ना कि किसी परेशानी में अपनी बीवी को सामने खड़ा कर दे। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम गौ माता। प्रणाम देवश्री। माते क्या ये सत्य है कि विपरीत परिस्थितियों में ही, कठिन परिस्थितियों में ही संबंध सफल होते हैं? किसने विचार किया था कि संतोषी के पति जैसा मनुष्य इतना विनम्र, इतना भावपूर्ण हो जाएगा? नारायण नारायण। देवऋषि, परिस्थितियां संसार की सबसे योग्य गुण होती हैं। सत्य तो यही है कि मनुष्य बुरा या अच्छा नहीं होता, परंतु संबंधों, परिवार या संसार के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, वही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। मनुष्य के सकारात्मक दृष्टिकोण का आरंभ उसके उत्तरदायी होने के भाव से आरंभ होता है। खेलने देना मुझे प्लीज, थोड़ी देर खेलने दे, प्लीज 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 प्लीज। आजा पकड़।
संतोषी दीदी आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारे दोस्त तो नहीं लगते? हाँ दीदी ये मेरे दोस्त नहीं, ये तो पास के स्कूल में पढ़ते हैं। अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तुम इनको भगा कर लेके आई हो अपने साथ खेलने के लिए? क्या जीजू अब हर बात में मुझ पे शक करते हैं? ना मैं इन्हें भगा के लाई हूँ ना ये खुद भाग कर आए, इन्हें स्कूल वालों ने खुद भगाया है। क्या? हाँ रिंकू बताओ। भैया हमारे स्कूल वाले हमें बाहर ऐसे ही खेलने भेज देते हैं। अरे ये तो बहुत गलत बात है, प्राइवेट स्कूल है, इतना फीस चार्ज करते हैं और इतनी लापरवाही। सच में बड़ी अजीब बात है, पब्लिक कहाँ है ये स्कूल? दीदी यही पास में है। दरअसल इनके स्कूल जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं, ऐसे कैसे किसी के भविष्य के साथ खेल सकते हैं? मैं कोई भी एक ये सोलर पैनल वहाँ पर ट्रायल के लिए नहीं देने वाला, कल जाके उनको पैनल पसंद नहीं आया बोलेंगे, भरपाई कौन करेगा? यहाँ संतोषी तुम समझती क्यों नहीं, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए इसमें, मैं बिजनेस करने आया यहाँ पे, समाज सेवा नहीं। ट्रायल सही धैर्य से नहीं बात कर। दीदी हमें प्रिंसिपल सर ने भेजा। दीदी प्रिंसिपल सर ने आपसे बिजली पैदा करने वाली मशीन मंगवाई है। क्या हुआ? क्या पता है? जनाब का दिमाग खराब है, कब नहीं होता है। खैर एक काम करिए बबली, तुम ना इसमें से एक बॉक्स निकालकर इनको दे दो और साथ में जाना शांति से। पहली बार अपने पति की मर्जी के खिलाफ भी काम कर रहे, इस विश्वास पे कि आप संभाले, ये सब संभाल लीजिएगा। वाह तुम तो बहुत अच्छा खेल रहे हो, तुम्हें जीतते हुए हम भी देखेंगे। ये क्या किया मोम आपने? अंकुर हम तो तुम्हें खराब एप्पल खाने से बचा रहे थे, और ये कोई असली खेल नहीं है जो तुम इतना चिढ़ रहे हो, एक वीडियो गेम ही है, वो फिर से खेल लेना। मोम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उस सांप ने भी अभी तक कुछ नहीं किया। चाचा और चाची की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर आपने उस दिन मुझे रोका नहीं होता ना तो मेरा बदला कब का पूरा हो चुका होता। रिलैक्स अंकुर रिलैक्स, ठहरे तो पहले ही पारस के कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है जिससे वो कभी नहीं उभर पाएगा, और मरे हुए को मारने में क्या मजा आएगा। बॉब मुझे ऑफिस का एक काम याद आ गया, मैं काम निपटा के आता हूँ। तोशी कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, मैं सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं डब्बे गिन रहे थे। डब्बे? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं। हाँ नहीं। हाँ ना। हाँ ना। हाँ बोलो। ओ स्कूल में कहा था ना वो कुछ टेस्टिंग के लिए एक दिया है, बस एक दिया है। गॉड
तुम एक काम करो संतोषी मेरे, प्लीज जो बचे हुए सारे पैनल्स है ना यहाँ पे, ये भी उठा के दान कर दो। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, कॉर्पोरेट से बात करो, कंपनी से बात कर रहा हूँ, सारे बेचने के लिए तुम यहाँ मुफ्त बांट रही हूँ। मना किया था तुम्हें मैंने, उसके बाद समझ में नहीं आता तुम्हें, अरे तुम्हारा करूँ क्या, समझ में नहीं आता। आज लगता है फिर से मुझे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलनी पड़ेगी। मतलब ये कि 100 पैनल का ऑर्डर मिल गया है, जिसके पैसे वो हमें तुरंत दे देंगे। नीचे उतारिए। क्यों नीचे उतारिए? क्यों उतारूं? पहले नीचे उतारिए फिर बताते हैं। अच्छा ठीक है, ये ले। हाँ मैं नहीं लेना कोई ऑर्डर, मना कर दीजिए, कौन झेलेगा आपके नखरे। अच्छा गलती अगर बड़ी वाली की है तो माफी भी बड़ी। अरे करते कैसे, मुर्दा कैसे बनते? अच्छा चलो ठीक है, ऐसे मुर्गा बन जाता हूँ, सॉरी। बंद कीजिए नाटक, बहुत हो गया। माफ कर दो, कोई देख लेगा। सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दो। बस ना लगता है आप लोगों को ऑलरेडी खुशखबरी मिल गई है। 100 पैनल का ऑर्डर मिला है पैसे। इसी खुशखबरी में मैं हलवा बनाती हूँ, ओके? हाँ बेटा, आज टाटे की खुशखबरी है। अच्छा सुनो, हाँ ठीक है, तुम हलवा बनाना चाहती हो बनाओ, और तुम जाके पकौड़े बनाओ। क्या क्या आज हम पकौड़े और हलवा खा के सेलिब्रेट करेंगे। माते, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, आज धरती लोक पर देवी ब्रह्मचरणी रूप की पूजा हो रही है, क्योंकि देवी सरस्वती अर्थात आपका रूप है, इसलिए आज समस्त देवगण आपका आवाहन कर रहे हैं। आप हम सभी देवगणों को विद्या बुद्धि और तर्क शक्ति का आशीर्वाद दें। नारायण नारायण। सरस्वती माते, आप नवरात्रि में पूजी जाने वाली नौ देवियों में से महत्वपूर्ण देवी, ये समस्त संसार आपकी ज्योति से ही प्रकाशमान हुआ है। विद्या ही एक जीव को मनुष्य की श्रेणी में लेकर आती है, और करोड़ों वर्ष के अंधकार को ज्ञान की तनिक सी लौ भी सदैव के लिए समाप्त कर देती है। नारायण नारायण। आज आपके सरस्वती रूप की पूजा है। हम तो उन लोगों में से हैं जिन्हें न स्कूल जाने का मौका मिला न कॉलेज, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है,
जिससे हम सही और गलत को पहचान सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। और हमें इस बात की शिकायत भी नहीं कि हम स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा पाए। स्कूल में शिक्षा तो मिलती है, लेकिन असल ज्ञान वो तो आपके आशीर्वाद से आता है। भीतर का ज्ञान, अच्छे और सच्चे की पहचान, यही तो जरूरी है। इस विश्व का कल्याण आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता माँ, इसलिए पूरी दुनिया पर अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा और लोगों को सुबुद्धि दीजिएगा। बबली अब पहले मत बुझा, बताना बात क्या है। प्रिंसिपल साहब अपनी फौज के साथ पधार सकते हैं। अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रुको 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 रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये रहा आपके ऑर्डर का लेटर और ये रहा आपके 100 पैनल का चेक। हम कुछ लेबर अपने साथ लाए, अगर आपको परेशानी ना हो तो हम माल अभी ले जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ हाँ, हमें क्या परेशानी हो सकती है। यहाँ से 100 पैनल का बॉक्स उठाकर टेम्पो में रख दो। वहां से उठाना शुरू कर लीजिए। भैया हमने बहुत दिनों बाद स्कूल में पंखे की हवा गई है। टिंकू इसी बात पे हाई फाइव। बच्चों जीवन में आदर्श कोई भी हो सकता है, ये आपके सामने जो खड़े हैं ये भी किसी आदर्श से कम नहीं है। हम लोगों ने क्या किया। ये आपका तो बड़प्पन है जो आप अपनी तारीफ स्वीकार नहीं कर रहे। मुझे बबली ने सारी बात बता दी, इसीलिए अब मुझे सारी बातों का पता है। खूब मेहनत कीजिए इसी तरह और आगे बढ़िए। बच्चों मैं टेम्पो में सामान लोड करवाता हूँ, आप अंकल को हैंग्स के कराइएगा। हाँ थैंक यू। बोलो थैंक यू। थैंक यू अंकल। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उल्टा हमें थैंक यू बोलना चाहिए आप सबको, बड़ा वाला थैंक यू। अगर आप लोग नहीं मिले होते तो हम लोग की शुरुआत नहीं हुई होती। कहने को तो आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। बच्चों अब हमारे प्यारे जीजा जी आपसे दो शब्द कहेंगे। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि जब आप लोग बड़े हो जाएंगे और आप लोगों की शादी हो जाएगी तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करना और उनकी हर एक बात सुनना। ये क्या कह रही है। बच्चों चलो जाओ, प्रिंसिपल साहब आपका बाहर वेट कर रहे होंगे। अगर मियाँ बीबी का रोमांस हो गया हो तो मैं कंग्रेचुलेट कर दूं। कंग्रेचुलेशंस दीदी। कंग्रेचुलेशंस जीजू। थैंक यू। अब हम चलते हैं। बाय। यहाँ से तो भी शुरुआत हुई, हमें बाकी के स्कूलों में जाकर के भी पैनल का ऑर्डर लेना होगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।